हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिसेंटली ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग दोस्तिलक एक्सरसाइज 2019 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। हाल ही में संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण दोस्तिलक अभ्यास 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य किया गया? आपके ऑप्शन है भारत कजाकिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश। देखिए इसमें क्या है, ये आपके स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर 2019 से 13 नवंबर 2019 तक प्रशिक्षण अभ्यास चला था। इसका मुख्य उद्देश्य था जवाबी कार्रवाई कैसे की जाए, कैसे आतंकवादियों से मुकाबला किया जाए और साथ ही साथ हथियारों के प्रशिक्षण और जानकारियों का साझा करना था। ठीक है, यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था, यह 10 दिनों तक चला था। ठीक है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, विथ रेफरेंस टू जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्किंग अंडर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इट एम्स टू एसेस एनवायरमेंटल डैमेज बाय पॉलिसी मेकर्स विद द हेल्प ऑफ द मैप इंक्लूडेड। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज योर करेक्ट। जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के तहत कार्यरत राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य इसमें शामिल मानचित्रों की सहायता से नीति निर्माताओं द्वारा पर्यावरणीय क्षति का आकलन करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहले जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी मदद से मिट्टी में जहरीले रसायनों की मौजूदगी का आकलन किया जाता है। इसका एक और फैक्ट है कि यह एक जगह से दूसरे जगह की जो मिट्टी होती है कैसे परिवर्तित होती है उसका भी पता लगाया जाता है उसके थ्रू। इससे यह भी मदद मिलती है कि भूजल में मिट्टी का प्रदूषण कैसे योगदान दे रहा है। ठीक है, ये जो जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस है इसमें लगभग 45 मानचित्र शामिल हैं जो देश में मिट्टी के ऊपर और नीचे के धातुओं ऑक्साइड और तत्वों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के तहत कार्यरत राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, यानी दोनों सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विथ रेफरेंस टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज पर द FCRA गाइडलाइन रजिस्टर्ड एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिटेल विद इन 1 month of the completion of the financial year. The certificate given under FCRA 2010 will be valid for 5 years. Which of the statement given above is or correct? विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FCRA के दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के पूरा होने के 1 महीने के भीतर आय और व्यय का विवरण जमा करना होता है। FCRA 2010 के तहत दिया गया प्रमाण पत्र 5 साल तक के लिए वैध होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए FCRA क्या है, FCRA एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है जो कि ये बनाई गई है कि जो विदेश से पैसा आ रहा है तो उसका खर्च कहाँ हो रहा है और कोई पैसा भेज रहा है तो कहाँ भेज रहा है, इसकी निगरानी के लिए ये बनाया गया है। जैसे कि किसी NGO में पैसा भेजा तो उस NGO में पैसा खर्च हुआ या कहीं और चला गया तो इसकी निगरानी के लिए टूल बनाया गया। ऐसे प्रत्येक मतलब कई NGO हैं जो कि विदेशों से पैसे आते हैं, इसका लेन देन का सारी निगरानी रखने के लिए ये टूल बनाया गया है। ठीक है, और ये FCRA 2010 के तहत दिया गया प्रमाण पत्र 5 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, FCRA के दिशा निर्देश के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के पूरा होने के 9 महीने के भीतर आय और व्यय का विवरण, प्राप्ति और भुगतान खाते, बही खाते इत्यादि की स्कैन प्रतियों के साथ एक ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होती है। ठीक है, यानी 1 महीने नहीं 9 महीने। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली डिस्कस्ड हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड इज 6-digit कोड। इट इज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली खादी हैज बीन अलॉटेड दिस कोड इन इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन एबव इज और करेक्ट।
हाल ही में चर्चा में रहे हार्मोनाइज सिस्टम कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हार्मोनाइज सिस्टम कोड 6 अंकों का एक कोड है, इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा विकसित किया जाता है। हाल ही में भारत में खादी को यह कोड आवंटित हुआ है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, ये जो हार्मोनाइज सिस्टम कोड है, ये उत्पादों के वर्गीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नामकरण है, ठीक है। यह भाग लेने वाले देशों को सीमा शुल्क उद्देश्य के लिए एक सामान्य आधार पर व्यापार के सामान को वर्गीकृत करने की अनुमति देता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए हार्मोनाइज सिस्टम 6 अंकों का कोड प्रणाली है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी को एक अलग हार्मोनाइज सिस्टम कोड आवंटित किया गया है, इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया जाता है। यानी हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही हुए? ऑप्शन सी केवल 1 और 3। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विथ रेफरेंस टू इको एंजाइटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज रिलेटेड टू डिप्रेसराइजेशन ऑफ फौना, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ, इट इज एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और करेक्ट? इको एंजाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संबंध जीव जंतुओं के अवसादित होने से है, यह मानव स्वास्थ्य से संबंधित है, यह पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये जो इको एंजाइटी है, ये जैसे कि विश्व में बढ़ते हुए प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कुछ वर्षों से लोगों में एक विशेष प्रकार का मानसिक रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो उसी को मनोवैज्ञानिक ने एक नाम दे दिया है, उसका नाम है इको एंजाइटी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति फ्यूचर को लेकर थोड़ा तो चिंतित होता है ना, तो लेकिन साथ ही साथ जब बात करें पर्यावरण की, तो एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति इस बात से भयभीत रहता है कि आने वाले समय में पर्यावरण का अंत हो जाएगा। यानी उसको एक चिंता होती है, जिससे कि उसका वो होता है ना दिमाग में कि चलता रहता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, इको एंजाइटी। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यह मानव स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। हमने आपसे पूछा था, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 कहां आयोजित हुआ? यह हुआ था कोलकाता में और यह चला था 5 नवंबर से 8 नवंबर तक, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? उनका नाम है मॉरिशियो मैक्री। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा था हमने आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। ये 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है। इसके पहले थे श्री रंजन गगोई जी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज स्टेटोई लॉन्च ने 13 अप्रैल 2019 को उड़ान भरी थी, किस देश ने इस विमान का निर्माण किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस और नॉर्वे दोनों किस महासागर की सीमा में है? क्वेश्चन नंबर 3, उल्लूर चट्टान कहां स्थित है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।